आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स में लेकर फिर से हाजिर है नया टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक जो है पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम उसी फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन को करेंगे। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ इलेक्ट्रिक केतल, इलेक्ट्रिक केतल का जो लिस्ट प्राइस है वो है 27K, जबकि अवनि पेड करती है 327 बैट, एज अ बैट, बैट के रूप में वह उतना पे करती है। तो बोला क्या जा रहा है कि बैट का रेट क्या था, बैट का परसेंटेज क्या था, वो हमें निकालना है, तो टेंशन नहीं लेना है। ये बात हम लिखते हैं जो गिवन है, लिस्ट प्राइस ऑफ ए इलेक्ट्रिक केटल इज इक्वल टू 2700 रुपीज, अपनी पेड इतना। तो ये अपनी जो पेड कर रही है वह टैक्स के रूप में एक तरह से पेड कर रही है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपनी पेड कर रही है वैट, तो वैट इस पे कितना लग रहा है, वैट इज इक्वल टू 327 रुपीज है। हमें पूछा जा रहा है वैट का रेट, रेट ऑफ वैट निकालना हमें, क्या चीज़, रेट ऑफ वैट, शो रेट ऑफ वैट। हम जैसा कि पहले ही बता चुके थे, इस क्वेश्चन को भी हम पहले की तरह करेंगे। हम लोग फॉर्मूला जो पढ़ के आए थे, ये एक तरह से मान लीजिए प्रॉफिट की तरह, तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है। और ये देखिएगा थ्री के टेबल में 9 times 3 के टेबल में 3 1 जा 3 9। अब आप क्या देखोगे क्या कि ये अपने पास क्या बच जाता है, इस टर्म को काट के देखेंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग डिवाइड करके पॉइंट में लिखेंगे वैल्यू। तो जब आप काटोगे इसको तो लगभग आएगा 12.11% अप्रॉक्स में, इसको लिखेंगे हम लोग 12%, और यही अपना फाइनल आंसर होगा।